छत्तीसगढ़ में खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के मुताबिक इस साल लगभग 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होने का अनुमान है। बता दें कि जिले में 120 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। धान की खरीदी की शुरुआत के साथ ही विवाद भी शुरू हुआ। एक तरफ किसान धान खरीदी के इंतजार में थे, आज जब धान को लेकर किसान सोसाइटी केंद्र में पहुंचा तो धान की क्वालिटी देखकर प्रबंधक ने किसान का धान लेने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर किसान परेशान है। वहीं शुरुआती दौर में बारदाना जो है वो 75% ही उपलब्ध है, लेकिन जैसे जैसे धान का वर्क सोसाइटी केंद्र में बढ़ेगा तो बारदाने को लेकर भी मामला एक बार फिर से गर्मा सकता है। अब गरीब आदमी हम कहाँ ले गए। कितना सारा धान लगा कतक धान लाने कुछ कितना कन हैगा कड़ी साफ पता नहीं कड़ी साफ पता दो करके धान है इसका फिर से आए हो धान घर का है हम अवला कलर ला मतलब डिफेंस करते कि कलर है नहीं है कलर को धान वापस कर ले इसके बोला सर वहाँ तो मैं कहा उत्पादन कहाँ से करूँ जब जेन जेन हवा तेना लाए हवा सामने में दुख दू कर खेती वाला है मैं कहाँ से दूसरा धान ला मतलब लाऊ बता तो वो कहते धान ला नहीं ले सकता वापिस ले जाके बोला सर बारदाने की स्थिति क्या है और बारदाना तो बस वही 25 बता रहे सर 75% में। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी थोड़ा सा भी अल्प वर्षा हुई है, किसान धान काट रहे थे, पानी गिरने के कारण हो सकता है धान थोड़ा कालापन आ गया है। तो ऐसे भी धानों को नहीं लिया जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है कि तुम्हारा धान काला है, तुम्हारा धान गीला है, सूखा नहीं है, इस तरह से परेशान किया जा रहा है। जबकि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान धान का उत्पादन करता है, कलर नहीं जो है उसमें डालता है। अगर काला है, पीला है, लाल है, सफ़ेद है, ये फैसला करने वाला तो भगवान है ना, इंसान नहीं है। इंसान किसान सिर्फ पैदावारी करता है। तो ऐसे सोसाइटियों में परेशान किया जा रहा है, परेशानी करना बंद करें, अन्यथा ऐसे सोसाइटी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।